जय माँ जगदम्बा, सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे गौरा माँ, आप ही सबका मंगल व कल्याण करने वाली हो। हे शिवे, आप ही जीवन की उद्धार करता हो। हे मैया, आपकी शरण में आने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात सभी इच्छा पूर्ण हो जाती है। आप तीनों लोकों की ज्ञाता अर्थात तीनों लोकों को जानने वाली हो। आप ही त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की अर्धांगिनी हो तथा आप ही भगवान नारायण की अर्धांगिनी हो। अथ हम सब आपकी शरण में हैं और हम सभी भक्त जन नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं और आपका वंदन करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरि यज्ञ पर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वैसे तो नवरात्रि पर्व को लेकर अनेक कथाएं व मान्यताएं प्रचलित है, परंतु हम आज भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है, महिषासुर नाम का एक विशाल और अति क्रूर दैत्य था, जो ब्रह्मा ऋषि कश्यप और देवी दनु का पौत्र तथा दैत्य राज रम का पुत्र था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, महिषी अर्थात भैंसा और असुर अर्थात दैत्य तथा महिषासुर का अर्थ हुआ भैंसे जैसा दैत्य, जो अत्यधिक बलशाली था। महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का भी भक्त था तथा एक दिन उसने विचार किया, देवताओं को परास्त करने के लिए उसे दिव्य शक्तियाँ चाहिए और उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। और कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसको वरदान देने स्वयं आए और ब्रह्मा जी ने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी उस दैत्यराज से बोले, हे दैत्यराज, जो भी इस सृष्टि में जन्म लेता है उसका मरना तय है, अथ मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता, अथ तुम इसके समतुल्य कुछ और मांग लो। कुछ सोच विचार कर महिषासुर बोला, ठीक है, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे वर दे कि मैं किसी भी देव नर यक्ष गंधर्व पशु पक्षी और राक्षस के द्वारा न मारा जा सकूं, क्योंकि महिषासुर स्त्रियों को कमजोर समझता था, इसलिए स्त्रियों से अभय होने का वरदान ब्रह्मा जी से मांगना भूल गया। उसके यो वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसको देव नर यक्ष गंधर्व पशु पक्षी और राक्षस के द्वारा न मारे जाने का वरदान दे दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से यो वरदान प्राप्त कर महिषासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया और अपनी शक्ति के मद में डूबा। वो दैत्य ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्य को प्रताड़ित करने लगा। उस अत्यंत दुराचारी पशु ने देवताओं पर आक्रमण किया और उनको भी पराजित कर स्वर्ग का राजा बन गया। उसने देवताओं के सभी अधिकार भी छीन लिए। उससे भयभीत सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर श्रीहरि और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की दुर्दशा को देखकर भगवान शिव के मुख से एक तेज निकला। इसके बाद सभी देवताओं के देह से एक प्रकाश पुंज निकला और एकत्रित हो गया। उस शक्ति पुंज से एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसकी कांति और भव्यता तीनों लोकों को मोहित करने वाली थी। उस देवी के तेज से सूर्य भी छिपा जा रहा था। उसके बाद सभी देवों ने उस देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उस देवी की स्तुति कर उन देवी से प्रार्थना की, हे देवी, आप महिषासुर से हमारी रक्षा करे। तब देवताओं से प्रसन्न माता शक्ति उस दैत्य का वध करने के लिए वहाँ से चली गयी। महिषासुर को जब ये पता चला कि उसका वध करने के लिए देवताओं ने एक स्त्री को भेजा है, तो वो क्रोश में भरकर अपनी संपूर्ण सेना के साथ माता शक्ति पर आक्रमण कर देता है। माता शक्ति उस दुराचारी की सेना से युद्ध करने लगती है। माता शक्ति की एक एक स्वांसों से हजारों योगिनियों का जन्म हो रहा था, जो उन दुष्टों का मर्दन व भक्षण कर रही थी। और देखते देखते उस दुष्ट की सारी सेना, सारे रथी महारथी और सेनापतियों का नाश हो गया। अपनी सेना का नाश होते देख वो महादैत्य माता शक्ति की तरफ दौड़ा और उनका वध करने के उद्देश्य से माता पर प्रहार करने लगा। माता ने उस दुष्ट से 9 दिनों तक युद्ध किया और उसकी माया को काटने के लिए अलग अलग 9 रूपों में युद्ध किया और 9वें दिन माता शक्ति ने उस दुष्ट का मस्तक काट कर उसका वध कर दिया।
जिससे सभी देवता प्रसन्न हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर सभी देवों ने मिलकर माता की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने देवताओं से वर मांगने को कहा। तब सभी देव बोले, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माँ, हम जब भी मुश्किल में हो तो आप हमारी रक्षा करना। तब माता तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और सभी देव अपने अपने लोक में जाकर अपने कार्य को करने लगे। तभी से सभी मनुष्य और देव माता के नव रूपों की पूजा करने लगे और नवरात्रि पर्व को मनाने लगे। हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। जय माँ दुर्गा।